गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वही अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और कोरोना का फायदा उठाते हैं। स्कूल जाने की जरूरत तो अब है नहीं, घर बैठे बैठे इकोनॉमिक्स को बहुत इजीली सीखते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूँ वो है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड और डिफरेंस क्या होता है डेप्रिशिएशन में और कैपिटल लॉस में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मजे के साथ। पहला जो टॉपिक है हमारा डेप्रिशिएशन, पहले बुक को करते हैं बंद और इसको रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से। आपने देखा होगा जब आप यंग होते हैं या बच्चे होते हैं, आप में कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आपकी बोन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब एज होती जाती है, ठीक है, तो आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है, एनर्जी भी ना के बराबर रहती है। तो यही तो सेम चीज़ लगती है मशीन्स में, धीरे धीरे मशीन की वैल्यू भी क्या होती है, गिरती जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर माइट बी सेवरल रीजंस, जैसे कि नॉर्मल वियर एंड टियर। जब हम चीजों को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। एक्सीडेंटल डैमेजेस, सपोज करो पावर सप्लाई अचानक से बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होते हैं, फूक जाते हैं, वैल्यू गिर जाएगी। अब ऑब्सोलेंस, दिस इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स, नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अब कुछ चीजें हमारे प्रोड्यूसर भाप लेते हैं, कुछ नहीं भाप पाते हैं। जिनको वो एनालाइज कर लेते हैं वो कहलाते हैं एक्सपेक्टेड, एंड इन एक्सपेक्टेड वी हैव टू हेडिंग्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। ये एग्जांपल से ही क्लियर हो पाएगा। सपोज करो मेरा कोई प्लांट है जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, कलर टीवी का जमाना है, तो लोग कलर टीवी खरीदना पसंद करेंगे। तो टेक्नोलॉजी हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टू कलर टीवी, तो इस प्लांट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। नाउ चेंज इन डिमांड पैटर्न, पहले हम लोग रबर शूज पहनते थे किसी जमाने में, लेकिन आज की डेट में क्या है, किसका जमाना है, लेदर शूज का। तो जो कंपनी रबर शूज बना रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये तो थे एक्सपेक्टेड। अब अनएक्सपेक्टेड में क्या है, इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन वही मंदी का दौर, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल एंड बिजनेस साइकिल हैज फोर फेजेस, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ओनली, रिसेशन। जब रिसेशन होता है तो हर चीज की वैल्यू क्या होती है, गिरती है। नेचुरल फैक्टर, सपोज करो आपका कोई घर है, आपकी कोई फैक्ट्री है, अचानक से भूकंप आता है, अर्थक्वेक, क्या होगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी क्या होता है, डेप्रिशिएशन आता है। क्लियर है। अब टॉपिक है हमारा डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा इंडिया में खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़कियां पैदा होती हैं, तो पैदा होते ही उनको उनकी शादी की चिंता हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स एफडी करा देते हैं कि इन फ्यूचर जब हमें लड़की की शादी करानी होगी तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही बैंकों से लोन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास खुद का फंड होगा एफडी के थ्रू और हम लोग इजीली मैरिज को मैनेज कर सकते हैं। तो वही सेम स्ट्रेटजी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। डीआरएफ होता क्या है, अ फंड विच इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू रिप्लेस वॉर्न आउट असेट। अपनी पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए जो हर साल आप फंड साइड में रखते हैं उसी को कहते हैं डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ असेट अपॉन टाइम पीरियड। सपोज करो कोई भी असेट है, कोई भी मशीनरी है, उसकी वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपए है। ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल। जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है एक निश्चित, वही मशीन की भी होती है, हर एक मशीन की लाइफ होती है, तो उसकी लाइफ से उसको डिवाइड कर दिया, कितना आया, 10,000। इसका मतलब हर साल आपको 10,000 रुपया साइड में रखना है ताकि जब मशीनरी पुरानी हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, तो उसको रिप्लेस करना होगा, नहीं तो प्रोडक्शन कम होता है, और उसको रिप्लेस करने के लिए हमें बैंकों से भीख मांगने की जरूरत नहीं, हमारे पास खुद का फंड है। क्लियर है। तो अ फंड विच इज मेंटेन इन ऑर्डर टू रिप्लेस वन आउट असेट इज नोन एज डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। इसी से एक लगा हुआ टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स लगभग सेम समझते हैं, लेकिन उसमें थिन लाइन डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके बीच में, डेप्रिशिएशन क्या है और कैपिटल लॉस क्या है। तो स्टूडेंट डेप्रिशिएशन क्या है, लगता फिक्स्ड असेट्स में, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है डेप्रिशिएशन, और जब हम चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो जो वैल्यू गिरती है वो कहलाती है कैपिटल लॉस। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने 2 i20 खरीद ली, इतना पैसा तो नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं,
तो एक i20 तो मैं रेगुलर चला रहा हूँ, स्कूल आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू गिरेगी, दिस इज नोन एज डेप्रिशिएशन। और जब मैं कार को यूज नहीं कर रहा हूँ, घर में एज इट इज कवर के साथ रख दी है, पक्का उसमें डेप्रिशिएशन लगेगा, तो उसको टर्न करते हैं हम लोग कैपिटल लॉस, राइट। और डेप्रिशिएशन की जो भरपाई होती है वो किससे होती है, डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। और कैपिटल लॉस की भरपाई किससे होती है, इंश्योरेंस से, ठीक है। और इसके कारण क्या है, जो हमारे एक्सपेक्टेड रीजन है वो सेम रीजन है, और जो अनएक्सपेक्टेड रीजन है वो आएगा कैपिटल लॉस में, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, आप वीडियो से ही नोट्स बना सकते हैं, कल हम इसके बाद के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।